एट नार्कोटिक्स के बारे में देखते हैं और ओपिओइड्स। ओपिएट नार्कोटिक्स और ओपिओइड्स। तो ओपिएट नार्कोटिक्स और ओपिओइड्स क्या है? दे आर पेन किलर, ठीक है। तो ये पेन को कम करते हैं, दे रिड्यूस पेन। तो दे आर कॉमनली नोन एज व्हाट? दे आर कॉमनली नोन एज पेन किलर, ठीक है। तो यहां पे लिख दे रहे हैं, ये पेन किलर ड्रग्स हैं, विच रिड्यूसेस पेन। ये क्या होते हैं? ये जितने भी ओपिएट नार्कोटिक्स हैं, ओपिओइड्स हैं, जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट देखेंगे कौन सा, मॉर्फिन होता है, कोडीन होता है, हीरोइन होते हैं, इसके बाद पेथिडीन होता है, मेथाडोन होते हैं, ठीक है। तो ये सब जो है ओपिएट है, ठीक है। दे आर डेरिवेटिव्स ऑफ ओपियम, ओपियम प्लांट होता है, उससे मिलता है, पापावर सोमनिफेरम कहते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली ये उससे मिलेगा मॉर्फिन, और उससे डिराइव होकर बहुत सारा बनते हैं, तो ये ओपिएट नार्कोटिक्स कहते हैं। तो एक्चुअली में दिस ओपिएट नार्कोटिक्स जो है ये कहां पर बाइंड करेंगे? जितने भी ओपिएट नार्कोटिक्स है, ओपिओइड्स, दे बाइंड टू अ स्पेसिफिक रिसेप्टर, और वो जो स्पेसिफिक रिसेप्टर कहां पर होते हैं? दे आर प्रेजेंट ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दैट इज ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड पर होते हैं, और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट्स पर भी होते हैं, ठीक है। तो एक लाइन लिख लो पहले, तो इट बाइंड टू, बाइंड मतलब कह सकते हैं इट इंटरैक्ट्स, ठीक है, इट बाइंड टू स्पेसिफिक रिसेप्टर्स, इट बाइंड टू स्पेसिफिक रिसेप्टर्स प्रेजेंट ऑन, और ये रिसेप्टर्स कहां पर होते हैं? प्रेजेंट ऑन कहां पर? इट बाइंड टू स्पेसिफिक रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन सेंट्रल इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, GIT कहते हैं उसको, ठीक है। तो जितने भी ओपिओइड्स होते हैं, इट बाइंड्स टू स्पेसिफिक रिसेप्टर प्रेजेंट इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। तो CNS मतलब होता है सेंट्रल, लिख भी दे रहे, नर्वस सिस्टम, ठीक है। और GIT मतलब क्या हुआ? गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, GIT, ठीक है, ये याद रखेंगे। ये ओपिएट नार्कोटिक्स जो है पेन किलर, इनको क्लासिफाई करेंगे तो ये तीन तरह का होते हैं, इट मे बी ऑफ थ्री टाइप्स कह सकते हैं। कुछ हो सकते हैं कि नेचुरल, ठीक है, नेचुरल कहने का मतलब कि दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स, ठीक है। तो ये नेचुरल होंगे, तो इसको हम लिख दे रहे हैं कि नेचुरल, नेचुरल। कुछ जो होंगे सिंथेटिक होते हैं, ये तो नेचुरल विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स, सम आर सिंथेटिक, ये सिंथेटिक भी हो सकते हैं, इट मे बी सिंथेटिक, बना सकते हैं इनको हम पेन किलर। और कुछ जो होंगे, ठीक है, दे आर सेमी सिंथेटिक कहेंगे, क्या कहेंगे? सेमी सिंथेटिक मतलब कि ये प्लांट से मिल रहे हैं, ठीक है, और इसको मॉडिफाई करके हम बना लिए हैं, तो इट इज थर्ड वन जो कहेंगे। तो यहां पर लिख दे रहे हैं थर्ड वन, तो थर्ड वन क्या होगा? पहला हो गया दूसरा सिंथेटिक, एंड थर्ड इज सेमी सिंथेटिक, क्या कहेंगे इसको? दिस इज नोन एज सेमी सिंथेटिक, तीसरा सेमी सिंथेटिक, यहां लिख दीजिए सेमी सिंथेटिक, ठीक है। तो ये नेचुरल जो ऑब्टेन हो रहा है उसी में क्या किए हम, इसी में चेंजेस करके बनाते हैं, तो सेमी सिंथेटिक, ठीक है। अब यहां पर देखते हैं क्या कुछ नेचुरल, ठीक है, ओपिएट नार्कोटिक जो है उसको कहते हैं, दैट इज नोन एज मॉर्फिन, क्या कहते हैं? मॉर्फिन, 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 ठीक है। तो मॉर्फिन है पहला नेचुरल में, तो मॉर्फिन के बारे में दो तीन पॉइंट याद रखेंगे कि ये ऑब्टेन कैसे होता है। तो इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, और एक्सट्रैक्टेड कह सकते हैं, कहां से मिलता है? इट इज ऑब्टेन्ड और एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लेटेक्स, ठीक है, किससे मिलता है? लेटेक्स ऑफ कौन सा प्लांट? तो इसको कहते हैं पॉपी प्लांट, ठीक है, कौन सा? ऑफ पॉपी, POPPY, पॉपी प्लांट, ठीक है। तो ये पॉपी प्लांट से मिलता है ओपियम प्रोडक्ट, दैट इज मॉर्फिन,
ठीक है। तो मॉर्फिन इट इज एक्सेप्टेड फ्रॉम लेटेक्स ऑफ विच प्लांट, पॉपी प्लांट, और ये पॉपी प्लांट को हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं पापावर, पीएपीएवी है पापावर सोमनीफेरम, सोमनीफेरम, ठीक है। तो एक्चुअली में ये मॉर्फिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कहां से मिलता है, याद रखेंगे इट इज एक्सट्रैक्ट फ्रॉम पॉपी प्लांट, ठीक है, और पापावर सोमनीफेरम इससे मिलता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट एक चीज और याद रखेंगे मॉर्फिन के बारे में कि मॉर्फिन जो होता है, ठीक है, मॉर्फिन जो होता है ये कह सकते हैं कि ये क्या है, अभी तो हम बताए कि पेन किलर होता है, क्या होता है ये पेन किलर, लेकिन ये पेन किलर के साथ साथ क्या है सेडेटिव्स भी के तरह भी यूज करते हैं। सपोज करें कि कोई पेशेंट है, ठीक है, कोई पेशेंट है हुआ इज अंडरगॉन सर्जरी, ठीक है, तो वहां भी ये यूजफुल है, क्या में दिस मॉर्फिन इज यूज्ड एज पेन किलर एज वेल एज सेडेटिव्स, ये याद रखना है। तो कह सकते हैं कि इट इज वेरी, कह सकते हैं इफेक्टिव, इट इज वेरी इफेक्टिव सेडेटिव एज वेल एज एंड पेन किलर, दोनों की तरह यूज कर सकते हैं। हालांकि इसको किसमें रखा गया है, पेन किलर कैटेगरी में, लेकिन ये क्या होगा, इट इज वेरी इफेक्टिव इन, इफेक्टिव क्या है सेडेटिव है, इट इज वेरी इफेक्टिव सेडेटिव एंड पेन किलर, ठीक है, ये होता है इट इज वेरी इफेक्टिव सेडेटिव एंड पेन किलर, मतलब नींद भी लाने में हेल्प करते हैं और पेन रिलीफ में भी, इन पेशेंट एंड इज यूजफुल इन पेशेंट्स and is useful in patients who have undergone surgery, ठीक है, अगर कोई सर्जरी हुआ है किसी पेशेंट में, ठीक है, तो उसमें उसके लिए क्या होगा, यूजफुल इन पेशेंट है who have undergone क्या सर्जरी, ठीक है, तो अगर सर्जरी हुआ तो पेन वगैरह होगा तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पेन से रिलीफ के लिए पेन किलर की तरह हम मॉर्फिन यूज कर सकते हैं, as well as क्या it induces sleep, तो सेडेटिव की तरह, ठीक है। तो ये याद रखेंगे आपको दो चीज कि मॉर्फिन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, पहला चीज कि मॉर्फिन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम पॉपी प्लांट पापावर सोमनीफेरम, ये क्या होता है, इट इज ओनली नॉट पेन किलर, इट इज ऑल्सो यूज एज सेडेटिव, ठीक है, एंड इज यूजफुल इन पेशेंट हु हैव अंडरगॉन सर्जरी, इसमें याद रखने दो पॉइंट, ठीक है। इसके बाद होता क्या, एक ये तो मॉर्फिन हो गया, एक दूसरा जो देखेंगे इसको हम कहेंगे कोडीन, क्या कहते हैं, मॉर्फिन के बाद जो होता है इसको कहते हैं कोडीन, CODEINE कोडीन, मॉर्फिन और ये क्या है कोडीन। तो याद रखेंगे मॉर्फिन एंड कोडीन आर टू नेचुरल प्रोडक्ट्स ऑब्टेन फ्रॉम ओपियम, ठीक है, प्लांट दैट इज कह सकते हैं पापावर सोमनीफेरम पॉपी प्लांट, ठीक है। तो ओपियम ऐसे पूछेगा, ओपियम जो होता है उसमें दो अल्कलॉइड मिलता है, कौन कौन सा, कह सकते हैं मॉर्फिन ये सब, कोडीन वगैरह ये सब। अब यहां पर देखिए कोडीन जो होता है एक्चुअली में ये कफ सिरप जो पीते हैं ना, तो उसमें जनरली कोडीन थोड़ा सा डाला जाता है, ठीक है। तो हालांकि अब यूज इसका कम है, तो इट इज यूज एज क्या, हम कह सकते हैं कि ये जो है कोडीन का कफ सिरप में यूज होता है, और ये क्या है कह सकते हैं माइल्ड फॉर्म ऑफ पेन किलर है, कैसा है ये, इट इज कफ सिरप में यूज होता है और ये माइल्ड फॉर्म है, तो दूसरा याद रखें क्या है, इट इज माइल्डर फॉर्म ऑफ पेन किलर। तो पेन किलर कहने का मतलब क्या हुआ, ओपियोइड्स, ओपिएट नार्कोटिक्स, तो ओपिएट नार्कोटिक्स में माइल्डर फॉर्म कौन सा है, यही है, ये याद रखना आपको, तो मॉर्फिन और कोडीन ये, ठीक है। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर मॉर्फिन का अगर देखेंगे तो उतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन याद रखेंगे ये स्ट्रक्चर हमने बना रखा है, ठीक है। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ, यहां पर लिख दे रहे हैं मॉर्फिन, ये किसका स्ट्रक्चर है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मॉर्फिन, ठीक है। तो ये मॉर्फिन का स्ट्रक्चर हम बना रखे हैं, ठीक है, तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मॉर्फिन। अब ये मॉर्फिन का स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो इसमें कितने OH ग्रुप है, OH ग्रुप कितना है, एक यहां एक यहां दो है ना, तो इट हैज टू OH ग्रुप, तो यहां लिख रहे हैं इट हैज टू OH ग्रुप, ठीक है। इसमें कितने OH ग्रुप है, दो है, ठीक है। अब ये क्या होता है
कि दो है, अब इसमें से हम क्या रिप्लेसमेंट करते हैं, रिप्लेसिंग रिप्लेसिंग वन ओएच ग्रुप, ठीक है, वन ओएच ग्रुप विथ इसके साथ विथ इसको ओसीएस थ्री, ठीक है, ओसीएस थ्री ग्रुप से कर दे रहे हैं चेंज, ठीक है। तो रिप्लेसिंग वन ओएच ग्रुप विथ कौन सा ग्रुप, ओसीएस थ्री विथ ओसीएच थ्री, ठीक है, इससे रिप्लेस कर रहे हैं ग्रुप से। तो ये क्या बना देता है, प्रोड्यूसेस, ये बना दिया कोडीन, क्या बना दिया, ये बन गया कोडीन, ठीक है। तो यहां पर देखिएगा कोडीन बनाने के लिए क्या होगा कि अगर मॉर्फिन में एक एक क्या कर दिए, एक ओएच ग्रुप जो है रिप्लेस कर दिए विथ ओसीएस थ्री, इट प्रोड्यूसेस कोडीन, सी ओ डी ई आई एन ई, कोडीन बना दिया, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, लेकिन इसमें क्या हुआ, एक नहीं दो कर दिए, ठीक है, दो दोनों का दोनों, तो यहां पर लिख दे रहे हैं रिप्लेसिंग वन नहीं बोथ ओ एच ग्रुप विथ किसके साथ, तो इसको कहते हैं ओ सी ओ सी एस थ्री ग्रुप, इट प्रोड्यूसेस ये बना देता है हीरोइन कहते हैं, एच आर ओ आई एन, क्या कहेंगे उसको, इट इज नोन एज हीरोइन, तो इट प्रोड्यूसेस व्हाट, हीरोइन, ये याद रखेंगे, ठीक है। तो ये कोडीन बना दे रहा है, एक होगा तो दूसरा होगा तो क्या कहेंगे इसको, हीरोइन, ठीक है। तो हीरोइन का स्ट्रक्चर अगर लिखना होगा, ठीक है, स्ट्रक्चर तो क्या करेंगे हम, हीरोइन का स्ट्रक्चर लिखना होगा, तो ये वाला ओएच, ये देख रहे हैं ना ओएच, ये वाला ओएच और ये वाला ओएच, दोनों का कौन सा ग्रुप होगा, रिप्लेसिंग बोथ ओएच ग्रुप बाई कौन सा ग्रुप, OCOCH3, ये इसमें क्या है, केवल OCH3 कर देंगे, तो ये क्या बना देगा, ये बना देगा कोडीन और ये नीचे बना देगा क्या, हीरोइन, ठीक है। तो कोडीन बनाना है तो बहुत इजी है, ये हीरोइन, ये, ठीक है। तो स्ट्रक्चर में चेंज कर देंगे, तो अब यहां पर देखिए, ठीक है, यहां पर देखेंगे, ये हो गया नेचुरल कौन कौन सा, तो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ मॉर्फिन, इट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम पॉपी प्लांट, ये दिया हुआ है, पापावर सोमनिफेरम वेरी इफेक्टिव, ये भी दिया हुआ है, सेडेटिव एंड पेन किलर एंड यूजफुल इन पेशेंट्स हु हैव अंडरगॉन सर्जरी, ठीक है। ये स्ट्रक्चर भी दिया हुआ है, तो स्ट्रक्चर आपको दिया हुआ मॉर्फिन का ये है, और अगर इसी में क्या होगा, इसी में OCOCH3 यहां पर हो जाएगा, OCOCH3 देखिएगा दो, तो ये क्या हो जाएगा, हीरोइन का स्ट्रक्चर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ये क्या प्रोड्यूस कर देगा, ये बन जाएगा दैट इज हीरोइन, ठीक है, ये याद रखना है। आते हैं सिंथेटिक, तो सिंथेटिक जो होगा केमिकली सिंथेसाइज होता है, तो इसमें कहते हैं दैट इज नोन एज पेथिडीन, क्या कहते हैं, पेथिडीन, याद रख सकते हैं, मिथाडोन मिथाडोन, ठीक है, और एक फेंटानाइल कहते हैं, फेंटानाइल, तो एनसीईआरटी में नहीं दिया है तो आप याद रख सकते हैं, आपकी मर्जी, ठीक है। तो ये कह सकते हैं ये मॉर्फिन कोडिंग, तो आपको याद रखना है मॉर्फिन और कोडिंग, मॉर्फिन इंपॉर्टेंट है, ये पेथिडीन सिंथेटिक है, पेथिडीन मेथाडोन और फेंटानाइल, ठीक है। अब ये सेमी सिंथेटिक देखते हैं, ठीक है, सेमी सिंथेटिक में क्या हो जाएगा, सेमी सिंथेटिक में हम क्या कर सकते हैं कि इसमें आ जाएगा दैट इज, अभी तो बताया कोडिंग हो गया हीरोइन, तो इसमें क्या आ जाएगा, तो इसमें आ जाएगा हीरोइन, तो यहां पर लिखते हैं एच ई आर ओ आई एन हीरोइन, और ये हीरोइन जो होता है, ठीक है, इसको हम स्मैक भी कहते हैं, ठीक है, इसके डिफरेंट वेरियस नेम है, दिस इज ऑल्सो नोन एज स्मैक, ठीक है, इसको क्या कहेंगे, स्मैक भी कह सकते हैं, हीरोइन और स्मैक, ठीक है। और ये क्या होता है, इसी को आप इसका इसी के डिफरेंट फॉर्म्स है, चीपेस्ट फॉर्म है ना हीरोइन को, उसको हम ब्राउन शुगर भी कहते हैं, क्या कहते हैं, ब्राउन शुगर, ये क्या होगा, तो हीरोइन स्मैक और ब्राउन शुगर, ठीक है। तो ब्राउन शुगर एक्चुअली में क्या है, ये कह सकते हैं इट इज द चीपेस्ट फॉर्म ऑफ किसका, हीरोइन, ठीक है, हीरोइन का चीपेस्ट फॉर्म है। और ये अभी हम हीरोइन का स्ट्रक्चर देखेंगे, तो हीरोइन का स्ट्रक्चर में क्या होगा, कौन सा ग्रुप है, हीरोइन का स्ट्रक्चर अगर देखेंगे तो ये कौन सा स्ट्रक्चर, कौन सा ग्रुप है, ओ सी ओ सी एस थ्री, एसिटाइल ग्रुप होते, तो क्या होते हैं, एसिटाइल ग्रुप,
तो यहां पर एसिटाइल है और यहां पर एसिटाइल है, तो इसमें मॉर्फिन ही है, क्या है ये मॉर्फिन ही है, उसमें दो एसिटाइल आ गया ना, ठीक है, तो इसी को कहेंगे डाई एसिटाइल मॉर्फिन। केमिकल नेम क्या हो जाएगा, तो इसका केमिकल नेम हम क्या कह सकते हैं, इट इज डाई एसिटाइल मॉर्फिन, ठीक है। तो केमिकली अगर कहेंगे तो ये क्या है, यहां पर लिख दे रहे हैं, तो केमिकली इट इज डाई एसिटाइल मॉर्फिन, ठीक है, तो डाई एसिटाइल मॉर्फिन है, तो मॉर्फिन ही है, इसमें थोड़ा सा मतलब नेचुरल है, इसी में क्या हुआ दो एसिटाइलेशन कर दिए प्रोसेस, तो क्या हो गया सेमी सिंथेटिक हो गया, तो इट इज डाई एसिटाइल क्या मॉर्फिन, याद रखना है, तो इट इज केमिकली डाई एसिटाइल मॉर्फिन, और आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं मॉर्फिन डाई एसिटेट, मॉर्फिन तो ही डाई एसिटेट भी कर सकते हैं, तो एक लाइन कर सकते हैं केमिकली इट इज डाई एसिटाइल मॉर्फिन, इट इज फॉर्म्ड बाय, और इट इज फॉर्म्ड बाय, यहां पर लिख दे रहे हैं कैसे बनता है, इट इज फॉर्म्ड बाय कैसे एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन, ठीक है, और भी कितने टाइम्स, टू टाइम्स, ठीक है, तो इट इज फॉर्म्ड बाय एसिटाइलेशन ऑफ किसके, एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन, ठीक है, तो ये याद रखेंगे ऑफ मॉर्फिन, इसीलिए क्या करते हैं इसको डाई एसिटाइल मॉर्फिन, दो बार एसिटाइलेशन हो रहा है, तो इट इज फॉर्म्ड बाय एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन, हेंस इट इज नोन एज डाई एसिटाइल मॉर्फिन, ठीक है, ये याद रखेंगे। दूसरा पॉइंट क्या है, ये हो गया, दूसरा इसको कह सकते हैं कि ये जो हीरोइन है, ठीक है, हीरोइन, ठीक है, इसको कैसे लेते हैं, इसका मोड ऑफ यूज क्या है, हाउ इट इज यूज्ड, ठीक है, तो मोड ऑफ यूज अगर देखेंगे, ठीक है, तो ये इंजेक्शन से लिया जाता है, बाय इंजेक्शन वेन्स वगैरह में ले लेते हैं, ठीक है, तो मोड ऑफ यूज क्या होगा, दैट इज कह सकते हैं यहां पर लिख दे रहे हैं मोड ऑफ यूज, और सिंपली कह सकते हैं दैट इज जनरली टेकन, इट इज जनरली टेकन बाय इंजेक्शन एंड स्नॉर्टिंग कहते हैं, स्नॉर्टिंग एंड इंजेक्शन, ठीक है, कैसे होता है, तो इट इज जनरली टेकन बाय स्नॉर्टिंग एंड इंजेक्शन, ठीक है, तो इसको क्या करते हैं, हीरोइन को हम वेन्स में ब्लड में इंजेक्ट कर लेते हैं वेन्स में, ठीक है, और ये स्नॉटिंग मतलब क्या होगा कि इस तरह लेके सूंघना, मतलब कि इनहेलेशन बाय नोज, आप कह सकते हैं वी कैन से स्नॉटिंग मींस इनहेलेशन बाय नोज, ठीक है, इसको कहते हैं दैट इज नोन एज स्नॉटिंग, तो स्नॉटेड, ठीक है, तो ये हो गया, तो पहला हीरोइन क्या है, हीरोइन इज डाइसेटाइल मॉर्फिन, इट इज फॉर्म्ड बाय एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन, लेकिन ये बताया है कि ये जो हीरोइन तो है ही, ये हीरोइन ये स्मैक भी है ना, इट इज ऑल्सो नोन एज स्मैक, आप एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो स्मैक भी हीरोइन इज क्या है, स्मैक, और ये ब्राउन शुगर क्या है, चीपेस्ट फॉर्म है इसका, यही सेम है, यही है डाइसेटाइल मॉर्फिन है, लेकिन क्या है इसका केमिकल कहते हैं डाइसेटाइल मॉर्फिन, डाइसेटाइल मॉर्फिन हाइड्रोक्लोराइड, थोड़ा सा चीपेस्ट फॉर्म है, ठीक है, तो ये डाइसेटाइल मॉर्फिन है, इट इज फॉर्म्ड बाय, याद रखना है कैसे, एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन से बनता है, तो इट इज फॉर्म्ड बाय एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन, इस बार ये मोड ऑफ यूज जनरली कैसे लेते हैं, स्नॉटिंग और इंजेक्शन से लेते हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट याद रखना है आपको इसमें कि ये जो हीरोइन होता है ये डिप्रेसेंट होता है, क्या होता है ये डिप्रेसेंट, ठीक है, तो बताया था ओपिएट नार्कोटिक्स क्या होता है, ये डिप्रेसेंट होता है, तो ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को क्या करता है, ये डिप्रेस कर देता है, क्या कहता है डिप्रेस, तो ये करता क्या है, इट इज डिप्रेसेंट, लिखते रहे इट इज डिप्रेसेंट, ठीक है, एंड स्लोज डाउन बॉडी फंक्शंस, तो जो भी बॉडी फंक्शंस है उसको क्या कर रहा है, उसको स्लो कर देता है, ठीक है, तो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इट इज डिप्रेसेंट एंड स्लोज डाउन क्या बॉडी फंक्शंस, तो जो भी बॉडी फंक्शंस है उसको क्या करेगा, ये स्लो डाउन कर देगा, ठीक है, तो ये याद रखेंगे, ये हो गया आपका ओपिएट नार्कोटिक्स, एक बार बता दे ओपिएट नार्कोटिक्स क्या होता है, पेन किलर होता है, ये बाइंड टू सीएनएस, याद रखना है किससे ये बाइंड कर रहा है, ये सीएनएस शॉर्ट में इसलिए लिखे हैं कि आपको याद होगा सीएनएस में, और जीआईटी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, ठीक है, तो सीएनएस मतलब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों में उसके लिए रिसेप्टर्स होते हैं,
ये तीन तरह का हो गया, ठीक है। पहला नेचुरल है और दूसरा कौन सा होगा, दैट इज सिंथेटिक। तीसरा कौन सा होगा, एक सेमी सिंथेटिक, ठीक है। मतलब कि नेचुरल जो है ऑब्टेंड है उसी में कुछ सिंथेटिक करके बनाया गया है, तो तीसरा जो हो गया क्या होगा, सेमी सिंथेटिक, तीन तरह का, ठीक है। लेकिन आपके एनसीईआरटी में क्या क्या दिया है, आपके एनसीईआरटी में बस दे दिया है कि याद रखना है मॉर्फिन के बारे में, ठीक है, डिटेल में दिया है मॉर्फिन, ठीक है, ये सब नहीं दिया उतना, पैथिडिन सब नहीं दिया, ये याद रखना है हीरोइन। तो हीरोइन इज केमिकली क्या है, हीरोइन इज केमिकली स्मैक, ठीक है, और ये ब्राउन शुगर होता है इम्प्योर फॉर्म, लेकिन ये ब्राउन नाम से लग रहा है, लेकिन ये क्या होता है, हीरोइन कैसा होता है, हीरोइन जो है ना व्हाइट कलर का होता है। एक पॉइंट और लिख देते हैं यहाँ पर, याद रखिएगा, तो हीरोइन के बारे में भी दिया हुआ है, तो हीरोइन इज क्या होता है, इट इज व्हाइट, ठीक है, तो इट इज कह सकते हैं इट इज व्हाइट, ठीक है, मतलब कलरलेस कह सकते हैं, ठीक है, अडरलेस मतलब विदाउट स्मेल, इट इज कलरलेस, यू आर अडरलेस, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, ये बीटर इन टेस्ट कह सकते हैं, बीटर कड़वा, बीटर एंड कह सकते हैं क्रिस्टलाइन कंपाउंड, कैसा होता है, क्रिस्टलाइन, ये याद रखिएगा, इट इज गिवन इन एनसीईआरटी, क्रिस्टलाइन कंपाउंड, ठीक है। तो ये कैसा होता है, ये याद रखना आपको कि ये व्हाइट होता है, कलरलेस, अडरलेस, बीटर एंड क्रिस्टलाइन कंपाउंड होता है, ठीक है। ये कंपाउंड होता है, इसको लेते कैसे है, मोड ऑफ यूज, तो मोड ऑफ यूज जो है इट इज टेकन बाय स्नॉटिंग एंड इंजेक्शन से लेते हैं, मिली ये। इसके बाद डाइस्टाइन मॉर्फिन है ये, ठीक है, इसको आप